खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन, विगत 21 दिसंबर को इंदौर रोड तपोभूमि चौराहे पर हुए निजी ट्रेवल्स की बस द्वारा बाइक सवार ट्रेनी पटवारी ऋतुराज सिंह व अनिल शर्मा को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जिसको लेकर आज करनी सेना ने पुलिस कंट्रोल पर एसपी सचिन अतुलकर को ज्ञापन सौंपकर बस ड्राइवर व मालिक पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इंदौर रोड पर सड़क हादसे में बस ड्राइवर व मालिक पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन व मांग की तेज गति दौड़ती बसों की जांच की जाए, बिना स्पीड कंट्रोल डिवाइस की बस पर कार्यवाही की जाए। करनी सेना चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिवस के अंदर कार्यवाही नहीं होती है तो करनी सेना प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। आज हम लोगों ने ज्ञापन एसपी साहब को सौंपा है कि 21 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 पटवारियों की डेथ हुई है, जिसमें से 1 पटवारी की तो 1 दिन पहले ही शादी हुई थी, मतलब 24 घंटे भी उसकी शादी को नहीं हुए थे, शाम को सिस्टर की बारात आ रही थी। और जो घटना के जो फुटेज सामने आया है, जो घटना का हम लोगों को चश्मदीद ने बताया है, उसमें चीज़ है कि बस पूरी आउट ऑफ कंट्रोल थी और पीछे से आकर टक्कर मारी, जिससे घटनास्थल पर दोनों की मौत हुई है। तो हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है कि बस मालिक ड्राइवर के ऊपर 304 में मुकदमा दर्ज करे और गिरातंत्र हत्या का मुकदमा उस पर दर्ज हो, साथ ही परिवार को मुआवजा राशि दे, नियुक्तियाँ नौकरी दे, शासकीय नौकरी उनको दे। अगर ऐसा शासन प्रशासन नहीं करता है, साथ ही बसों की जांच वाच नहीं करता है, तो हम लोग 7 दिवस के अंदर सारे रोड जाम करेंगे। करनी सेना इसके लिए तैयार है और जो घटना है पूरा प्रदेश पूरा देश जिसने भी सुना है कहीं ना कहीं अंदर से दुखी। हम लोग परिवार का दर्द तो नहीं बांट सकते, लेकिन आगे दोबारा किसी के साथ ना हो, इसलिए हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है। एसपी साहब ने बोला है आगे क्या रूपरेखा है अभी, एसपी साहब ने बोला है कि 304 में उस पर प्रकरण दर्ज होगा, साथ ही जितनी भी बसें हैं सब पे स्पीड कंट्रोल और उनकी जांच की जाएगी, उनके कागज़ की जांच की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो 7 दिवस का हमने समय दिया है, उसके बाद उज्जैन के आसपास जितने भी रोड है हम लोग जाम करेंगे और किसी भी बस को जाने नहीं देंगे। और साथ ही करनी सेना ने आज से चालू ही कर दिया है, हम लोग हर बस में आज जाकर समझाइश दे रहे हैं पूरे प्रदेश में। साथ ही सवारी अगर ज़्यादा है तो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दोबारा सवारी ज़्यादा ना पाई जाए और स्पीड कंट्रोल में रहे, नहीं तो हम लोग सबक सिखाएंगे। हाँ, बसों से गुंडागर्दी की जा रही है, लेकिन करनी सेना सबसे निपटने में सक्षम है और पूरे प्रदेश में अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो हम लोग अपने लेवल पर इसको निपटाएंगे। उज्जैन से समय जगत रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।